नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और ये देखिए कितना सुंदर और प्यारा हमारा मटर का प्लांट और जिस पर मटर लगे हुए हैं वो कितने खूबसूरत हैं, ये देखने से पता चल रहा है। लेकिन देख, खूबसूरती के साथ साथ ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं और इनमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल का छिड़काव हमने नहीं किया है जब से ये लगाए हुए हैं। आप इनके पीछे एक और मटर देख रहे होंगे, उनमें आर पार हमें दिख रहा है कि मटर के जो दाने छोटे छोटे से बने हुए हैं वो इस तरह से बनते हैं। आज मैं ये मटर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो अपनी टेरेस पर किचन गार्डन बनाया हुआ है, जो सब्जियाँ उगाई हुई हैं उनको हम आज हार्वेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे। वैसे तो हम टाइम टाइम से हार्वेस्ट करते रहते हैं लेकिन वीडियो सारी नहीं बना पाते, समय नहीं लग पाता। तो आज हम एक वीडियो आपको ये छोटी सी बनाकर दिखा रहे हैं कि हमने जो टेरेस पर उगाया हुआ है उनकी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये आप देख भी रहे होंगे, ये मटर है और इस तरह से हम हार्वेस्टिंग आज कर रहे हैं। आप देखिए ये कितने ही प्यारे और कितने ही अच्छे दिख रहे हैं हमारे जो मटर हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं लगे हुए हैं लेकिन जितने लगे हुए हैं उन्हें देखकर बड़ी खुशी मिलती है और बड़ा ही अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से आप भी शुरुआत कर सकते हैं अपने टेरेस पर। ज़्यादा नहीं सही, थोड़े से ही शुरुआत करिए तो आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। और जो आप उगाएंगे और उगाकर आप उसको अपने किचन में यूज़ करेंगे तो आपका बड़ा ही मन प्रसन्न होगा। तो इस तरह से ये देखिए, ये मटर बिल्कुल पूरी दाने से भरी हुई है और पूरी अच्छी तरह से ये अब इसके अंदर दाने बने हुए हैं। बाकी आगे इन पर फ्लावरिंग भी आ रही है, ये देखिए फूल भी आ रहे हैं आगे और लग भी रही काफ़ी हैं। तो बीच बीच में तोड़ते रहते हैं थोड़ी थोड़ी सी, तो बाकी वीडियो नहीं बना पाते। कुछ इधर हैं, कुछ दो पौधे वो उधर भी लगे हुए हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये इधर दूसरा पौधा लगा हुआ है ये देखिए, और इस पर मटर भी काफ़ी आए हुए हैं, उससे ज़्यादा मटर हैं जो पहले वाला पौधा आप देख रहे थे अभी। तो इस तरह से ये मटर की हार्वेस्टिंग। और अब ये देखिए, ये पालक है स्पिंच, इसकी भी आज हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और इसका कलर आप देख ही सकते हैं, आपको दिख ही रहा है कि कितना प्यारा और कितना ही सुंदर कलर इसका, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। इसमें कोई किसी तरह का कोई केमिकल नहीं दिया है, कोई कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं दिया है जो हमें नुकसान पहुंचाए। क्योंकि आजकल मार्केट में जो भी मिल रहा है आप देख ही रहे हो, उसमें बहुत सारे केमिकल का प्रयोग होता है और उसके बाद वो मार्केट में आते हैं बिक्री के लिए। देखने में हो सकता है हमें अच्छे भी लगें लेकिन खाने का जो उनका स्वाद है और जो उनमें केमिकल डले हुए हैं उनसे तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो होती हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां चल भी रही हैं। कोशिश कर सकते हैं छोटी सी आप भी। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ये इतने से आप उगा कर क्या पूरा अपना जो किचन का खर्च है वो हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, मार्केट से भी ख़रीदना पड़ता है। लेकिन कोशिश तो हम एटलीस्ट कर ही सकते हैं जितना हो सके। और ये हरी प्याज है, ग्रीन अनियन। और ये देखिए ये कितनी अच्छी दिख रही हैं। दूसरा जो ग्रीन अनियन है उनको लगाना भी बहुत आसान है और इनको लगाने के बाद उगाना बड़ा ही आसान है। ये बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है। और ये देखिए, इसकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल एकदम वाइट और बड़ी ही अच्छी दिख रही हैं। तो एक टाइम की सब्जी के लिए हमें केवल 3-4 ही चाहिए होती है, तो 3-4 हम ले लेते हैं बस। उसके बाद फिर अगली बार जब हमको और चाहिए होगी तो हम ले लेंगे।
और ये देखिए ये ब्रोकली है हमारी, अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, ये हार्वेस्टिंग के लायक अभी नहीं हुई है, तो इसमें अभी समय लगेगा। बाकी इधर हमने कुछ गाजर भी उगाई हुई है, ये भी थोड़ी छोटी हैं, और इनके बीच में दो मिनी डहलिया उसके प्लांट हैं और बड़ी खूबसूरत चल रहे हैं। इधर ये हमारी शलजम है, शलजम भी हमने पहले एक दो बार हार्वेस्ट कर चुके हैं, तो और गाजर भी देखिए इधर गाजर हो रही हैं काफ़ी बड़ी बड़ी। बाकी रेड वाली जो मूली होती है वो हम आपको आज हार्वेस्ट करके दिखाएंगे। ये देखिए ये रेड वाली मूली है, ये देखिए और बहुत ज़्यादा बड़े ड्रम की या उसकी आवश्यकता नहीं होती इनको उगाने के लिए, ये जो छोटे से अगर आप आपके पास हैं उनमें भी उग जाती हैं, लगभग एक डेढ़ फीट का होता है उसमें, ये आसानी से उग जाती हैं। तो ये देखिए रेड वाली मूली है ये, बाकी ये सफ़ेद वाली मूली है, वाइट वाली, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए इनको लगे हुए, बहुत ही कम दिन हुए हैं, और उसके बाद आप देख ही सकते हैं ये कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो बाकी इधर बैंगन लगे हुए हैं, हमने एक आध दिन पहले ही इनको हार्वेस्ट किया था, तो अब ये छोटे छोटे हैं, इनको तो बाद में हार्वेस्ट करेंगे हम। इधर मिर्चें भी लगी हुई हैं, मिर्चें भी हमने एक दो दिन पहले ही हार्वेस्ट की थी। बाकी इधर ये सेम है, और ये इधर बीट रूट है, ये टोमेटो के प्लांट है, टोमेटो पे देखिए फ्लावरिंग और ये देखिए कितनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई हुई है, फ्रूटिंग इन पर आ जाएगी अभी कुछ दिनों में। बाकी और वेजिटेबल्स हमारी लगी हुई हैं, के बाद दोबारा बोया था ये, तो ये देखिए ये भी बड़ा अच्छा हो रहा है, इधर सरसों है, इधर ये भी सरसों है, उधर धनिया है, तो काफ़ी कुछ है टेरेस पर, और आप भी छोटा सा एक शुरुआत करके देखिए। और ये इधर देखिए ये गोभी हमारी बननी शुरू हो गई हैं, ये भी कुछ दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करिए और बने रहिए साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर किसी एक नई वीडियो में, नमस्कार।